subscribe to our channel and press the bell icon for all notifications. हम सबको समझनी चाहिए बात, लेकिन आते होंगे वो। मैं तब तक आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। खयाम साहब और उनकी वाइफ जगजीत कौर जी, दोनों ने, आपको पता ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। खयाम साहब ने म्यूज़िक बहुत दी और जगजीत जी ने गाने बहुत गाए फिल्म में। बहुत से थोड़े लोग हैं इंडस्ट्री में जो लोग ऐसा फैसला करते हैं कि जो हमने इंडस्ट्री से कमाया है वो हम इंडस्ट्री को ही दे के जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं, उनमें मैं सुभाष झा जी का भी नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने इंडस्ट्री से जो कमाया उससे इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन बना दी और वो लोगों को ट्रेन करके इस फील्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और लोग भी हैं, उनमें एक सुरेश वाडकर भी हैं जिन्होंने अपनी इतनी अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाई है जिसके थ्रू लोग संगीत सीखते हैं और इस क्षेत्र में आते हैं। खयाम साहब ने क्या किया है कि उन्होंने जो कुछ भी पूंजी कमाई अपनी ज़िंदगी में वो कुछ हो गया। हेलो हाँ कुछ हो गया, शायद बैटरी गई है। हेलो कुछ और उसमें भी आ रहा है। ठीक है। तो खयाम साहब ने जो पूंजी कमाई उसका एक एक पैसा वो इंडस्ट्री को ही दे के जाना चाहते हैं। अब वो कैसे दे के जाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई है, उस ट्रस्ट में मुझे चेयरमैन रखा है और भी लोग हैं उसमें, हमारे बहुत अच्छे दोस्त म्यूजिशियंस हैं और वो सब मिलके इस ट्रस्ट को चलाएंगे। खयाम साहब और खयाम साहब की वाइफ जब तक हैं तब तक वो जो फैसले करेंगे कि इनको यहाँ देना, जैसे आज यहाँ कुछ पैसे देने आए हैं, जहाँ देना है जैसा वो कहेंगे वो काम हो जाएगा। और उनके जाने के बाद उनके ही सजेशंस जो उन्होंने हमको दे दिए हैं उनका ध्यान रखते हुए हम लोग आगे भी उस फंड से लोगों को पैसे देंगे, सहायता करेंगे। जैसा आपकी आपको पता है कि यहाँ वो पहले भी दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं और जब तक वो हैं देते रहेंगे और जब वो नहीं होंगे तो हम लोग देंगे। हम लोग इसका आपसे वादा करते हैं। आए क्या कहता, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने करोड़ों में नहीं कमाया, जिन्होंने कम फिल्में की, सेलेक्टेड फिल्में की, अपनी शर्तों पे फिल्में की और उसमें भी जो कुछ कमाया है वो सारा कुछ दान दे के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे इंसान को हम सलूट करते हैं, ऐसे आदमी को हम नमन करते हैं। खयाम साहब जैसे और भी लोग इंडस्ट्री में आने चाहिए, जो लोग जब उनका अंतिम समय आ रहा हो तो वो ये सोचें कि अब हम इस पैसे का क्या करें और वो दे के ही जा रहे हैं पूरा इंडस्ट्री को। आज यहाँ तलत अजीज़ ये आने वाले थे मेरे साथ लेकिन उनका कुछ काम पड़ गया है, कोई वीज़ा लेने गए हैं, वहाँ अटके हुए, लेकिन खयाम साहब अभी आएंगे कुछ, वो भी आपके सामने क्लियरिटी देंगे इस काम की। और बाकी आप लोगों में जो कोई सवाल पूछना चाहे तो जहाँ तक मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ मैं दूँ, कोई पूछना चाहे तो पूछ, किसी के मन में कोई बात ना। ट्रस्ट में जब तक खयाम साहब हैं, जगजीत जी हैं,
तब तक जैसा वो कहेंगे वैसा किया जाएगा, और उसके बाद में जो कुछ उन्होंने नियम ट्रस्ट को दे देंगे कि भाई इस तरह से सबको देना है, वो हम देते रहेंगे। फिलहाल हम उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो जो वो कहते जा रहे हैं हम करते जा रहे हैं, और उसी इंस्ट्रक्शंस पर आज हम लोग यहाँ मिले, आज इकट्ठा हुए। लेकिन इतना आप ज़रूर जान लीजिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है उसका एक एक पैसा वो इंडस्ट्री को वापस करना है, और वो भी उनका मन है कि ज़्यादा म्यूजिशियंस को दिया जाए क्योंकि वो खुद म्यूजिशियन है, तो इसी डिपार्टमेंट को वो देना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने दिया है, आज भी यहाँ आए हैं देने, शायद आ गए होंगे, आ गए। तो जब वो अंदर आ रहे हों तो हम लोग सब तालियां बजा के उनका स्वागत करें और उनको ये जताएं कि हम चाहते हैं कि खयाम साहब 100 साल की उम्र पाए, अपने नशिस्त पर बैठे। जगजीत जी बैठे, मैं जगजीत जी को जब भी देखता हूँ तो उनका गाया हुआ नगमा मुझे याद आ जाता है। तुम अपना अपनी परेशानी मुझे तुम अपना रंजूरम अपनी परेशानी मुझे। अब आप लोग जो कुछ भी पूछना चाहें, पहले खयाम साहब कुछ दो बातें कहेंगे और उसके बाद जो भी आप पूछ रहा था खयाम साहब आपको सजा। ये इसके बाद पूछा मैं क्या बोल रहा हूँ इसके बारे में, वैसे थोड़ा बोले पहले स्वागत कर लिया जाए। अच्छा पहले स्वागत करना चाहिए। जैसे पहले फेडरेशन जो है, जो 22 एसोसिएशन का मदर बॉडी है, वो खयाम साहब और जगजीत सिंह कौर जी और अनूप जलोटा जी राज जी सबका स्वागत करती है। खयाम साहब वो इंसान है जो इस इंडस्ट्री से कमाई हुई अपनी सारी दौलत इंडस्ट्री को वापस कर रहे हैं, ये इस तरह का विचार में किसी के अंदर कभी हुआ है नहीं, शायद होगा। लोगों ने पैसे कमाए जरूर इंडस्ट्री से, पर उनको ये पता नहीं कि इंडस्ट्री के लोग कहाँ हैं। एक म्यूज़िक डायरेक्टर जिसका पहला लक्ष्य होता है कि म्यूज़िक वालों के लिए ही सोचे, पर खयाम साहब ने वर्कर की भी बात सोची, इसलिए फेडरेशन को दे रहे हैं कि हाँ वर्कर बॉडी होती है। और ये बात, ये पहला साल नहीं है, इसके पहले भी दे चुके हैं, तो हम लोग इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि आप लोग हमें नहीं खयाम साहब को सुनने आए हैं, उन्हें देखने आए हैं, इसलिए मैं 2 मिनट में ज़रा सम्मान कर देता हूँ। गुलदस्ते मंगवाए हैं फेडरेशन ने वर्कर के पैसे से, तो उसे वापस करना जरूरी है, देना चाहिए। हाँ किशन जी इसलिए अब इसे हटाकर छोटे चेक को जो बड़ा है वो मैं खयाम साहब और अरुण जी को दे रहा हूँ, उनके हाथों फेडरेशन के अध्यक्ष जी और सचिव जी आप करें। खयाम साहब के हाथ से, खयाम साहब और जगजीत जी, अरुण जी नहीं, आपके हाथ, आप तीनों का हाथ। आइए सर, आइए।
आइए ऐसे घुमा दीजिए। थैंक यू थैंक यू। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये ख्याल साहब ने जगजीत कौर जी ने एक निर्णय लिया हुआ है, इस ट्रस्ट के लिए निर्देश है कि जब इनकी पूरी प्रॉपर्टी पूरी ज्वेलरी सब कुछ बिक जाएगी तो उसमें जितना भी करोड़ों रुपया आए उसके ब्याज में से हर साल कम से कम 5 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर फंड को दिए जाएंगे। एक उचित राशि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सहायता कोष को भी दी जाएगी। गरीब कलाकारों को एक एक बार, दो बार नहीं, एक एक बार 10 से 20 हजार रुपए खयाम साहब खुद सहायता के रूप में देंगे और ये 1.5 लाख रुपया हर साल फेडरेशन को दिया जाता रहेगा ताउम्र। और ये ताउम्र मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो अमूक जी ने कहा है कि खयाम साहब और जगजीत कौर जी आज से शुरू हुए 100 साल तक रहेंगे, हम सब भी रहेंगे, लेकिन हमारे बाद भी ट्रस्ट की तरफ से ये राशि दी जाती रहेगी जब तक ट्रस्ट चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी बोल दिया था, उस पर ध्यान कर लिया, इसके बाद भी बोल दिया। मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम लोग ये काम अच्छी तरह चला सकें, यही हमें मार्गदर्शन चाहिए, यही आशीर्वाद चाहिए। आप सब हमारा साथ दें और मीडिया की तरफ से ये लोगों को खबर पहुँचे, क्योंकि जब खबर पहुँचेगी तो और लोग आएंगे ऐसा काम करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि और लोग इससे उत्साहित हों, इंस्पायर हों और इस तरह का काम करने और बुलाएं, हम ये चाहते हैं। खयाम टी फॉर प्रदीप एंड जी फॉर जे फॉर जगजीत का, ये उनकी छोटी सी फैमिली थी जिसमें 5 साल पहले ड्यू टू इनका जो एक लाडला उनका बेटा था प्रदीप खैया, उनकी हार्ट अटैक की वजह से अनटाइमली डेथ हो गई। 1 साल मोर्निंग करने के बाद उन्होंने ये जो आज हम लोग बैठे हैं उसके बारे में सोचा। लोग काफ़ी अलग चीज़ें सोचते हैं और उन्होंने ये सोचा कि अगर हम दो लोग हैं तो क्यों नहीं जो हमें इंडस्ट्री ने हमें दिया है क्यों नहीं उसे लौटाया दिया जाए, तो किस तरह से करने का उस हिसाब से बाद में चर्चा होती रही। और मैं 40-45 साल से मेरे डैडी एज अ इनकम टैक्स कंसल्टेंट उनको अटैच्ड है और जैसे भाई भाई जैसे मेरे डैडी और खयाम साहब एक फोन पे डैडी बोला करते थे कि मैं आज खाना खाने आ रहा हूँ और खाना तैयार हो जाता था जगजीत जी के हाथों और उनका आना हो जाता था। और उस तरह से आज भी लास्ट 25 साल से मैं उनका सर्विस कर रहा हूँ, खयाम साहब का जो भी इनकम टैक्स हो, उनके जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, जो हर काम में। और उस 3 साल 3.5 साल पहले हम लोग ने एक डिसीजन ली कि क्यों नहीं एक ट्रस्ट खोला जाए और ये पैसा करेक्ट वे लोगों तक पहुँचे। और उसके लिए जो अभी किशन जी ने नाम लिए 5 ट्रस्टी म्यूजिक इंडस्ट्री के और 2 खुद खयाम साहब और जगजीत जी, प्रोग्राम आगे इस तरह से चलेगा कि आज 1.5 लाख हो या बाद में 10 या 20 हजार जो नीडी लोग हैं म्यूजिशियंस हो या इंडस्ट्री के उनको तो दी जाती है। आगे जैसे किशन जी ने बताया उसी तरह से आगे जब आगे काफी साल के बाद में जब ज्यादा रकम आएगी ज्वेलरी की तरफ से घर बेच के जो पैसे आएंगे वो भी तो इंडस्ट्री से आए हुए पैसे थे, उसे FDs में रखा जाएगा
और उस एफडी में से जो उन्होंने बताया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो, चीफ मिनिस्टर फंड हो, या जो भी नीडी है हमारी इंडस्ट्री के, या कुछ इंडस्ट्री के बाहर भी पर जिसकी जरूरत है, उनको एक बार 10 या 20 हजार जो ट्रस्टी डिसाइड करेंगे उस तरह, उसमें वो पैसा उनको दे दिया जाएगा। और उस तरह से उन्होंने जैसे कहा कि हम रहे ना रहे, लेकिन ये जो ट्रस्ट का काम है वो सालों साल चलते रहेगा, ट्रस्टी बदलेंगे बट ट्रस्ट जिंदा रहेगा और ये पैसे हर बार मिलते रहेंगे। 14 में लास्ट 3 साल से हम लोग मिल रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा ईशन जी का और तलत अजीज जी का बर्थडे है, वैसे मेरे लड़की का भी आज बर्थडे है। तो उस बहाने हम लोग ने शुरू किया था, मुझे ये मालूम नहीं था जब हम लोग ने शुरू किया था कि किशन जी और तलत जी का बर्थडे है, लेकिन अभी ये देखो 3 साल से कर रहे हैं और 3 लोगों का बर्थडे आ गया है, तो बहुत खुशी की बात है। और उसीलिए हम खयाम साहब का और जगजीत जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, बहुत ही अच्छे काम के लिए। धन्यवाद पिछले साल जब सर ने अनाउंस की थी ये, उस वक्त मैं फंक्शन में मौजूद था और मुझे खुशी है कि आज का ये फंक्शन हमारे परिसर में हो रहा है। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जैसी सोच हमारी इंडस्ट्री में और 10 लोगों की हो गई तो बहुत सारे वर्कर्स का भला हो जाएगा। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, यही दुआ। मैं फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर टाइम्स।